इस बात पे हम लोग ये वाली बात पे करेंगे वे यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स अब अचानक से कई सारे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बोल देते हैं कि भाई पाँच साल के बाद मैं कंपनी का सी बन जाऊँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज दिस आंसर शोज दैट हाउ मच रियलिस्टिक एंड सेंसिबल यू आर एक सेंसिबल आंसर दो सोचो कि पाँच साल बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम कौन से पोजीशन तक पहुंच सकते हो बाय वर्किंग हार्ड सो प्रिपेयर दिस आंसर इन अ स्मार्टर वे बी सेंसिबल वाई यू वांट टू गो फॉर फाइनेंस और मार्केटिंग एमबीए बी ए और फॉर देट मैटर एनी टाइप ऑफ एम अचानक से तुमसे पूछा जाएगा अच्छा तुमने इंजीनियरिंग की है तो तुम फाइनेंस में क्यों जाना चाह रहे हो अच्छा तुम फाइनेंस की हो तो तुम मार्केटिंग में क्यों करना चाह रहे हो we all have certain reasons that why we decided to go for finance mba marketing mba so all you need to do is portray that reason in a better way in a positive way for example if i am an engineer i want to go for finance you can say that yes i be i became an engineer for the desires of my family but when i was working i got attracted towards finance and now get into finance domain is one way now for me to get into finance domain is one way by being an mba in finance or vice versa so you can give that answer do not try to bluff guys or do not try to give any fake information what if you won't get selected answer is simple guys you can say that वट इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड मनी पीपल से दैट सर आई थिंक आई एम गोनू गेट सेलेक्टेड या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सिम्पल सी बात है इफ़ यू डो नॉट गेट सेलेक्टेड यू विल ट्राई अगैन यू विल सी ऑल द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल यू हैव एंड यू विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ़ दी अवेलेबल ऑप्शन यू हैव सो दिस इज हाउ स्मार्टली गोनो आंसर द क्वेश्चन वाई यू हैव अ गैप आफ्टर यूर ग्रेजुएशन अभी एक सवाल है जो कई लोग बोलते हैं कि सर ट्वेल्थ के बाद मुझे मेरे को एक साल का गैप था या ग्रेजुएशन मेरा मेरा वाई हो गया या ग्रेजुएशन के बाद गैप है गाइस झूठ मत बोलो लोग कहते हैं कि मैं आपको कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा ये वो इधर उधर की बातें एग्जामिनर और इंटरव्यूअर ये सब चीज़ें सुन चुका है स्ट्रेट अवे उसको सीधा सा जवाब दे दो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम बी एग्जाम अगर वो तुमसे ये सवाल पूछेगा क्रॉस करके कि वाई यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन एम बी एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज देर आर अदर्स हु नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर दी एम बी एंट्रेंस एग्जाम बट ऑल्सो वर्कड यू कैन सिंपली से दैट सर यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु नीड्स अ डेडिकेटेड अटेंशन टू वर्ड स्टडीज यू कैन नॉट फोकस और यू डू नॉट वॉन्ट टू डाइवर्ट योर अटेंशन सो मेक योर सेल्फ Comfortable with these kind of questions. Why you didn't score good in graduation? Many people give again a fake answer. कि ऐसा हो गया वैसा हो गया Be simple and be realistic. मैं तुम्हें दो example देता हूँ For example, अगर मैंने engineering में अच्छा score नहीं किया मुझसे कोई पूछता है कि यार आशीष आपने B में अच्छा score क्यों नहीं किया पहला जवाब मैंने B में इसलिए score अच्छा नहीं किया क्योंकि fourth year में और third year में, में मेरे कुछ पर्सनल या फैमिली के इश्यूज़ थे ठीक है फाइन दूसरा सिचुएशन जब मैं सीधा बोलूँ आई लॉस्ट माई फोकस इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर मैंने थर्ड और फोर्थ ईयर की इंजीनियरिंग में उतनी पढ़ाई नहीं की मैं उतना फोकस नहीं था जितना मुझे होना चाहिए नो गाइज यू आस्क योर सेल्फ विच आंसर इज साउंडिंग गुड इफ यू आर द पर्सन हु इज गु सेलेक्ट अ कैंडिडेट विच कैंडिडेट यूल बी सेलेक्टिंग सो डेफिनेटली द इंटरव्यू और नोज द ट्रूथ सो उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो सच बोलो और आगे बढ़ो सो so गाइज ये वाले कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको आइडिया दिया प्लीज़ यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस द नंबर्स आर अवेलेबल एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू मेक श्योर दैट यू कॉल अस हम आपको जी डी पी आई के लिए ट्रेन करेंगे विद द कोर्स सो डू नॉट वरी अबाउट इट अब गाइडलाइंस टू फॉलो ऑलवेज आस्क हैज मनी क्वेश्चन टू योर सेल्फ वाल प्रिपेयरिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू अपने आप से सवाल पूछो सोचो कि अगर तुम एक इंटरव्यूअर हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसा एक कैंडिडेट आता है तो तुम कहाँ कहाँ उसको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड यू ट्राई टू मेक एन आंसर फॉर दैट यू ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव आंसर टू दैट ऑलवेज कीप योर योर रिज्यूम और सी वी इन फ्रंट ऑफ यू एंड इमेजन द क्वेश्चन यू माइट बी वही चीज़ दोहरा रहा हूँ गाइस अपना रिज्यूमे सामने रखो देखो और सोचो कि कहाँ पे क्या तुमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है और उसका कैसे तुम्हें जवाब देना है ये सारी चीजें तुम्हें इंटरव्यू के लिए पॉजिटिव तरीके से प्रिपेयर करेगी ऑलवेज शो केस योर वीकनेस एज योर लर्निंग कर्व एंड हाउ यू बिकेम बेटर आफ्टर एनी फेलियर नाउ गाइज वी ऑल हैव वीकनेस वी ऑल गॉट फेलियर बट बात ये नहीं कि आपका वीकनेस क्या है आपका फेलियर क्या है बात यह कि कैसे आपने उसको ओवरकम किया कैसे कोई फेलियर Ke baad, aapne aur, aapne better apne aapko. So, always you should an, uh, have an answer for these kind of question Or in the end, guys, never fake. Please follow us on Instagram for latest news and alerts in regards to MB exam preparation. As I have mentioned already, that we are going to provide the training and coaching for GDPI free of cost without any extra charge with the with the course fee included. And of course, this presentation is just to give you an idea. I hope you understood. Please wait for the third part.